यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पर क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। आज ये क्वेश्चन जो दिया गया है, आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एमएस ऑफिस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एमएस ऑफिस की विशेषताएं मैं यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस 2013 की विशेषता बताऊंगा, क्योंकि 2013 से पहले जो एमएस ऑफिस था उसके बाद 2013 के बाद 2010 के बाद 2013 एमएस ऑफिस आया है, इसमें क्या नया आ गया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो जनवरी 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस सॉफ्टवेयर सीट ऑफिस 2013 का नवीनतम वर्जन जारी किया था। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर की जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हर दूसरे कंप्यूटर में आपको देखने मिलता है। एमएस ऑफिस 2013 प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है इसके अंदर हैं, कई सुविधाएं इसमें अवेलेबल है जो आप इनको देख सकते हैं अपने लिस्ट में जाकर के। जब आप स्टार्ट मेनू में जाएंगे और क्लिक करके आप जब ग्रुप को देखेंगे एमएस ऑफिस के ग्रुप को, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे बहुत सारे इसके प्रोग्राम के नाम, इन्हें आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं में दिया हुआ है साइन इन फॉर ऑफिस वेयर यू नीड। मेरे इस कंप्यूटर में आप देखिए इस जगह पर ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये लोगो बन के आ रहा है, मतलब मैंने इसमें आईडी खोल रखी है, लॉगिन कर रखी है और ये कुछ लाइनें से यहाँ बन के आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेरे इस कंप्यूटर में इस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड के अंदर मैंने एक आईडी को लॉगिन कर लिया है। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी पर जितनी फाइलें सेव होंगी वो सब इस कंप्यूटर में आ जाएंगी। यानी कि यदि आपके पास जो ऑप्शन आ गया है लॉगिन के नाम से, तो अब आपको अपनी पेन ड्राइव में कोई फाइल ले जाने की जरूरत नहीं है। अपनी फाइल को आप अपनी ईमेल आईडी पर सेव रखें, किसी भी कंप्यूटर पर जाएं और यदि वहां पर 2013 एमएस ऑफिस है तो अपनी आईडी को लॉगिन करिए और पूरा डाटा आपका उस कंप्यूटर में आ जाएगा। जैसे ही मैं फाइल पे जाकर के अकाउंट पे जाके यहाँ से साइन आउट कर दूंगा तो मेरी आईडी बाहर निकल जाएगी, यानी कि साइन आउट हो जाएगी। इस प्रकार से अपन कंप्यूटर के अंदर अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके और बाद में साइन आउट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्विच अकाउंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। न्यू स्टाइल गैलरी का मतलब हुआ कि आप 2007-2010 के अंदर जो एमएस ऑफिस था उसमें स्टाइल जो दिए ऊपर अवेलेबल तो होती हैं, आप इसमें इन स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप चाहें तो खुद के नए स्टाइल भी बना सकते हैं 2013 के अंदर। जी हाँ, ऐसा दिया गया है कि आप चाहें तो खुद के नए स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया होता है क्रिएट न्यू स्टाइल, यहाँ से आप नए नए स्टाइल को बना सकते हैं। न्यू ऑनलाइन पिक्चर फैसिलिटी एमएस ऑफिस 2013 के अंदर सुविधा दी गई है कि आप ऑनलाइन नई फोटोज और पिक्चर्स को साइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप डायरेक्टली इंसर्ट पर जाके और ऑनलाइन पिक्चर नामक ऑप्शन से इसमें नए फोटोज को भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से और डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कैसे करते हैं, सर्च कैसे करेंगे, यूज वो अपन आगे सीखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फीचर्स की। और आगे दिया हुआ है कि वर्ड में एक्सेल में टाइपिंग सिलेक्शन सिस्टम जो होता है बदल दिया गया है। यदि आपने 2013 एमएस ऑफिस चलाया है तो उसमें जो सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने में हमको एक अलग रफनेस फील होती है, और जब 2013 एमएस ऑफिस चलाते हैं तो हमको उसमें अलग से स्मूथनेस थोड़ी सी फील होती है सेलेक्ट करते समय। तो ये सिलेक्शन सिस्टम बदल दिया गया है दोनों में। वर्ड के बाद आउटलुक 2013 में निर्धारित किए गए विजुलाइजेशन जो सिस्टम है, सब डिजाइन है, इंटरफेस है, उसे बदल दिया गया है। एमएस वर्ड में नए विकल्प दिए गए हैं, नए नए चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं। पावर पॉइंट में नए नए ट्रांजेक्शन इफेक्ट जोड़ दिए गए हैं और फाइल को हम जहां से बंद करते हैं वहीं से डायरेक्टली खोल सकते हैं, इसकी सुविधाएं भी इसमें जोड़ दी गई हैं एमएस ऑफिस 2013 के अंदर। और ऑफिस परचेजिंग ऑप्शन सबसे बड़ी बात जो दी है इस वर्जन में 2013 में वो यही है कि आप ऑफिस को अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। यानी कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, थोड़ी बेकार लगने लगी, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, तो इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक पीसी के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चार प्रोग्राम यदि आप इस्तेमाल करने हैं, आपको सारे नहीं करने हैं, केवल चार से काम चल जाएगा, तो हम चार प्रोग्राम खरीद सकते हैं। उसकी कीमत यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये पुरानी कीमत है, हो सकता है कि इस समय इसकी कीमत बदल गई हो। तो आप एमएस ऑफिस को अपने हिसाब से खरीद सकते हैं,
चार प्रोग्राम, छह प्रोग्राम, आपको जितने प्रोग्राम खरीदने हैं उतने प्रोग्राम आप उसके खरीद सकते हैं। इससे पहले के वर्जन जो आते थे उसमें यदि पूरा ऑफिस पैकेज के अंदर पूरा पैकेज आपको खरीदना पड़ता था, चाहे वो आपके यूज में आए या ना आए, आपको पूरे प्रोग्राम मजबूत में खरीदना पड़ते थे और कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ते थे। और अब आप चाहे जितने प्रोग्राम खरीद सकते हैं, चार, उससे ज़्यादा, छः, पाँच, ठीक है, और सुविधाएं एक पीसी के लिए, मल्टीपल पीसी के लिए, क्या जैसे उसको आप खरीद सकते हैं, अपने मोबाइल के लिए भी उसको अपन खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत बच जाती है और कंप्यूटर की मेमोरी भी बच जाती है, क्योंकि कम प्रोग्राम होंगे तो कंप्यूटर में कम मेमोरी घेरेंगे और लागत भी हमारी बच जाती है। तो ये कीमत आप देख रहे हैं वो पर्यंत की कीमत नहीं है, ये जो उसकी प्राइस है वो प्राइस पहले की प्राइस है। इस समय हो सकता है कि इसकी कीमत कम या थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि 2013 है, इस समय तो 365 आ गया है, 2021 के बाद भी नए वर्जन बना दिए गए हैं तो वो आ गए हैं, तो हो सकता है कि 2013 की कीमत कम हो गई होगी डेफिनेटली। ये यहाँ पर होता गया है, आगे दिया है एमएस ऑफिस के विभिन्न वर्जन कौन कौन से होते हैं। तो एमएस ऑफिस के वर्जन आप जो सीख रहे हैं वो 2013 है, लेकिन 2013 के अलावा भी और भी वर्जन एमएस ऑफिस के आते हैं। तो कौन कौन से वर्जन आते हैं, 1990 के अंदर ऑफिस का 1.0 वर्जन बनाया गया था, उसके बाद 3.0, 95, 97, और फिर 2000, 2002, 2003, 2007, 7-3 10, 2010, 10-3 13, 2013, 13-16, 2016, फिर 19, फिर 21, 21 के बाद जो बनाया गया है वो 2021 में 5 अक्टूबर 2021 को ऑफिस 365 सबसे नया वर्जन बनाया गया है। ऑफिस का सबसे नया वर्जन जो है 365 है, जो कि 21 के बाद बनाया गया है, और खास करके ये मोबाइल फोन में भी आपको देखने मिल जाएगा। यदि आपने ये नहीं देखा है तो आप अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल का एंड्रॉयड ऐप जो है, एंड्रॉयड का प्ले स्टोर, उसे ओपन कीजिए और वहाँ पर डालिए ऑफिस 365, तो आपको ये मिल जाएगा। ये मोबाइल फोन और अपने लैपटॉप, टैबलेट सबके लिए इसको बयान किया गया है, सभी में ये ऐसा रहेगा, ऐसा चलेगा। ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर और विंडोज प्लेटफॉर्म पर दोनों पर काम करेगा। तो विजुवाइज का मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका मतलब होता है, विजुवाइज का मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका हिंदी मतलब होता है जैसा आप देखेंगे वैसा ही पाएंगे। एक्चुअली में हम एमएस वर्ड में जो कुछ भी काम करते हैं तो हम जैसी फाइल बनाते हैं वैसा ही उसका प्रिंट आउट निकाल पाते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है विजुवाइज सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप जैसा देखेंगे वैसा ही प्रिंट निकाल पाएंगे उसको हम विजुवाइज, WYSIWYG के नाम से जानते हैं। तो एमएस वर्ड एक विजुवाइज सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, इसमें हम जैसा टाइप करते हैं वैसा ही प्रिंट कर पाते हैं, इसलिए इसको हम विजुवाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एमएस वर्ड के अलावा और भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एमएस पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, क्वार्क एक्सप्रेस, ये सभी भी क्या कहलाते हैं, विजुवाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि विजुवाइज क्या होता है, वर्जन क्या होते हैं, एमएस ऑफिस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन सबको यदि आपको लगाओ कि आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक करके भी जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और मिलेंगे आगे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसके आगे की विशेषताएं दी हैं सिलेबस वाइज, उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।